पीलीभीत के ग्राम पंचायत पोटागला से करोड़ को जाने वाला मुख्य मार्ग हुआ बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील। ऐसा ही मामला पोटागला का है। पोटा से करोड़ जाने वाली सड़क पर कई नालियों का गंदा पानी भरा हुआ है, जिसके कारण सड़क सड़क नहीं कोई तालाब या खड्डा नजर आता है। इसी सड़क किनारे पोटागला में स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के गेट के सामने भी सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे और कॉलेज में पढ़ने वाले सभी छात्राओं छात्र समेत पूरे अध्यापक गण और राहगीरों को बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और ऐसा ही हाल है पोटागला के मेन बाजार चौराहे का। यहाँ स्थित दुकानदारों का कहना है कि इस गंदगी के कारण हमारी दुकान पर ग्राहक नहीं आते हैं, क्योंकि उन्हें गंदे पानी से गुजरना पड़ता है और राहगीरों को भी उसी मार्ग से गुजरने में काफी परेशानी होती है। क्या नाम है आपका? शमशाद। आप कहाँ रहते हैं? खमरिया। यहाँ जो है आपकी दुकान? दुकान जी। जी कहाँ पर आपकी दुकान है? सामने है। तो आपकी दुकान इस जो है रोड के सामने है, यहाँ गड्ढे में बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, तो आपको कोई समस्या नहीं होती है? समस्या क्या, रास्ता बेरास्ता पर कट रहा घटा, ये पानी समस्या हो ही नहीं पा रही है, सब दुकानदारी ठप है हमारी। आपके पास कस्टमर नहीं पहुंच पा रहे हैं? जो है रोड इतना खराब है, पानी व्यवस्था नहीं पहुंच पा रहा है, नहीं पहुँच पा रहा है, परेशानी, बहुत परेशानी। कभी कोई अधिकारी इस बार वो देखने आया? कभी नहीं, कोई देखने नहीं आया, कोई नहीं आया। आप क्या चाहते हैं? हम ये रोड सही हो जाए हमारा, बस। क्या समस्या है? अरे दुकानों पानी भरा हुआ है, ये सब नहीं बैठी जा रही है, और क्या है? पानी काय का भरा हुआ है? पानी नाली का भरा हुआ है। और ये जो रोड है इस पे? इस पे पानी भरा हुआ है। मुझे समस्या मेरी ये है कि ये रोड सब सही हो जाए और कोई दिक्कत नहीं है, और मेरी वो नाली भी सही हो जाए, पुलिया बन जाए। तो ये जो पानी भरा हुआ है ये नालियों का है? नाली के पानी का कोई निकास नहीं है? नहीं, बिल्कुल कोई निकास नहीं है। अच्छा, तो ये समस्या कब से? ये बहुत दिनों से समस्या है, सब लोगों से कह रहे हैं लेकिन कोई सुनाई नहीं आ रही है। अब तक आप किस किस से कह चुके हैं? सभी लोगों से कह चुका हूँ मैं। कोई शिकायत पत्र आपने दिया है? नहीं, पत्र तो अभी नहीं दिया है। शिकायती पत्र आपने नहीं दिया, मौके की शिकायत की है, लेकिन हाँ। शिकायत का अभी तक कोई निवारण नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है। जब आप शिकायत करते हैं तो लोग क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि भाई हो जाएगा काम, हो जाएगा, मगर कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है जी? नहीं। और यहाँ के जो पानी का निकास भी नहीं है? ना, बिल्कुल नहीं है। इसको लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं। हाँ बाबू, कहाँ रहते हैं? पावटा। क्या समस्या है? हम जो समझे, हमारे दरवाजे के सामने निकास सब बंद है, पानी सब भरा हुआ खड़ा, हम कैसे निकल के जाएं? कहाँ भरा हुआ है? ये रोड पर है, कते दरवाजे के सामने है, मुख्य मार्ग है। हाँ। कब से समस्या है जी? हो गई 8-10 दिन से। 8-10 दिन हो गए। हाँ। शिकायत करी इस चीज की? शिकायत करी मगर कोई शिकायत कोई सुनी ना रहा है। कहाँ शिकायत करी? यहीं करी थी प्रधान से। जो है सब प्रधान जी ने क्या कहा? प्रधान जी बोले कि संभलवा देंगे वो।